आ जाए तो उसकी जिंदगी खुशनुमा हो जाती है, ऐसा आपने सुना होगा। लेकिन यहाँ प्यार की कहानी में कुछ नया मोड़ आया है। आइए हम आपको दिखाते हैं दो दिनों के मिलने से बिछड़ने तक का पूरा सफर। दरअसल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के उदयपुरा तहसील के सुरेला गांव के निवासी शिवराज विश्वकर्मा ने अपने गांव की एक लड़की से भोपाल आर्य समाज मंदिर से शादी कर प्रेम विवाह किया था। शिवराज विश्वकर्मा की माने तो गांव की रहने वाली परिवर्तित नाम सपना भोपाल में एक निजी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। दोनों में अच्छी दोस्ती थी और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों ने साथ जीने मरने का इरादा बनाकर भोपाल नेहरू नगर स्थित एक आर्य समाज के मंदिर से शादी कर ली। शिवराज और उसकी प्रेमिका सपना ने भोपाल में 11 फरवरी 2018 को आर्य समाज मंदिर से शादी की थी। दोनों शादी करने के बाद बहुत खुश थे और अपनी प्यार भरी जिंदगी जी रहे थे। पति शिवराज का कहना है कि शादी के लगभग 4 महीने बाद 23 जून 2018 को लड़की के परिजन मेरे भोपाल स्थित घर पहुँचे थे और ये कहते हैं कि दोनों ने मर्जी से शादी कर ली है, अब कोई बात नहीं, हमारी लड़की आपकी बन गई, तो अब हम कुछ दिनों के लिए बेटी को अपने घर ले जाते हैं, बाद में पहुंचा देंगे। उसके बाद शिवराज की पत्नी मायके पहुंच गई। गांव पहुंचने के बाद जब शिवराज अपनी पत्नी से संपर्क होना बंद हो गया तो वह उसको लेने उदयपुर स्थित अपने गाँव पहुँचा, जहाँ शिवराज का आरोप है कि लड़की के परिजनों ने पहले तो उसके साथ मारपीट की और फिर पुलिस को बुलाकर उदयपुरा थाने में बंद करा दिया। अब शिवराज अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए शासन प्रशासन को कई आवेदन और ज्ञापन दे चुका है कि उसकी पत्नी को वापस लाया जाए। जब इस पूरे मामले में उदयपुरा थाना प्रभारी मनोज सुबह से बात की गई तो थाना प्रभारी ने बताया कि शिवराज के गांव की एक लड़की ने आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई है कि उसने भोपाल आर्य समाज से शादी की थी लेकिन वह पति के साथ नहीं रहना चाहती। जब मीडिया ने शिवराज की पत्नी से बात की तो पत्नी ने बताया कि हाँ, हम दोनों ने शादी तो की थी लेकिन अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, मुझसे गलती हुई है, मैं उसे सुधारना चाहती हूँ। अब इस पूरे मामले में शिवराज का कहना है कि लड़की घर वालों के दबाव में आकर मेरे पास नहीं आ पा रही है, इस प्यार के चक्कर में मैं अपने घर परिवार से बुरा हुआ और अब मेरी जिंदगी खराब हो गई, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी पत्नी अगर मेरे पास नहीं आई तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। अब देखना यह है कि शिवराज और उसकी पत्नी एक प्यार की जिंदगी में फिर साथ होते हैं या ढाई अक्षर के अधूरे प्यार नाम की तरह इसकी जिंदगी भी अधूरी रह जाएगी। मेरा नाम शिवराज विश्वकर्मा है। हम दोनों ने आर्य समाज मंदिर भोपाल से शादी की थी। हम दोनों एक ही तहसील के निवासी हैं, उदयपुरा तहसील के। हम लोग 5 महीने से साथ में रह रहे थे। उनके परिवार वाले आए और बोले कि मम्मी की तबीयत ख़राब है, इसको पहुंचा दो, एक दो दिन बाद पहुंचा देंगे। तो मैंने पहुंचा दिया। लड़की जाने के लिए मना कर रही थी लेकिन मैंने कहा मम्मी की तबीयत ख़राब है तो चली जाओ, देख के आ जाना मम्मी को। उसके बाद मैंने फ़ोन लगाया, उनके घर वालों ने एक दिन मेरी बात कराई, उसके बाद फिर बात कराना बंद कर दिया और फिर उससे डरा धमका के उससे मेरे खिलाफ़ आवेदन भी दिलवाया था उदयपुरा पुलिस में। तो उदयपुरा पुलिस से हालांकि मेरे पास फ़ोन नहीं आया लेकिन मैं जब लेने के लिए गया तो मेरे साथ मारपीट की और मुझे उदयपुरा पुलिस ने बंद करके रखा। मैं रायसेन एसपी साहब के पास भी गया तो उन्होंने मुझे यही सलाह दी थी, बोले कि तुम आप उदयपुरा पुलिस के पास जाओ, वो आपकी सहायता करेंगे। लेकिन मेरी किसी प्रकार से कोई सहायता नहीं थी। गांव के सरपंच ने मेरे माँ बाप को मार के भी गाँव से भगा दिया और मेरे माँ बाप मेरे पास भोपाल में रह रहे हैं। अगर लड़की को मेरे साथ नहीं रहना था तो वह मेरे साथ शादी नहीं करना चाहिए था उसको, वो मुझे धोखा दे रही है। नहीं आएगी तो मैं सर या तो मर जाऊंगा या आत्महत्या कर लूँगा, कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा घर भी छूट गया क्योंकि हम दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। तो मैं बस यही निवेदन है मेरा आप लोगों से कि बस मेरी पत्नी मुझे दिलवा दें। सर जो भी है, शादी हुई थी हम लोगों की, ठीक है। अब उस टाइम सर इतनी समझ नहीं थी, जब मैं अपने घर पे आई, ठीक है, मेरे दादा दादी ने फ़ोन किया, मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, किसी के दबाव में नहीं आई हूँ, मैं अपने घर पे आई, मेरी फैमिली की हालत देखी। सर मैं अपने घर में जो है बड़ी लड़की हूँ, मेरे दो छोटे भाई हैं, मेरी माँ है, मेरे पिताजी नहीं हैं, दादा दादी हैं, मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, है ना, उनके प्रति, और मैं यहीं रहना चाहती हूँ अपनी फैमिली के पास। तो वो ना बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करता है। उसी दिन से रात भर, जिस दिन मैं आई थी उस दिन नाइट में फ़ोन लगाना स्टार्ट किया, 4 बजे रात तक फ़ोन लगाया, जब तक हम लोगों ने मोबाइल स्विच ऑफ नहीं किया, हम लोगों को चैन नहीं लेने दिया, इतना प्रताड़ित कर रहा है हम लोगों को। और उदयपुर वो यहाँ भी आया था, यहीं हमारे गाँव सुरेला, तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने उसे मारने नहीं दिया क्योंकि मेरी फैमिली पे केस बनता है, इसलिए।
पुलिस आई, हाँ रिपोर्ट दी थी, पुलिस आई यहाँ पे, वो उसको लेके गई, वहाँ पे भी बयान दर्ज हैं, उसके बावजूद भी वो जगह जगह कंप्लेंट्स कर रहा है हमारी, फालतू के एफआईआर वगैरह रजिस्टर करवा रहा है। ये सुरेला गांव की लड़की ने एक आवेदन पत्र दिया है थाने में, उस आवेदन पत्र में उसने बताया है कि उस गांव के विश्वकर्मा समाज के लड़के से उसने भोपाल में आर्य समाज मंदिर में शादी की थी और शादी होने के बाद गांव पर वापस आ गई है, अब वो उस लड़की के साथ नहीं रहना चाह रही है। पुलिस द्वारा लड़की के बयान भी लिए हैं, परिवार के लोगों को भी बयान लिए गए हैं। लड़के के खिलाफ कोई इसने शिकायत की है? लड़के के खिलाफ में यही शिकायत की थी कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, अपने पहले जरूर भोपाल में शादी की थी, आज समाज में थी।